हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीपन, आपका दोस्त, और बाजार इनसाइट की यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर रोज आता हूं, आफ्टर मार्केट आवर्स डिस्कस करता हूं नेक्स्ट डे मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल बताता हूं, उसके साथ तीन स्टॉक को लेकर यहाँ पर डिस्कस करता हूँ जिनपे हम लोग नेक्स्ट डे यानी कि कल ट्रेड कर पाएंगे विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो दोस्तों, कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसको अगर अभी तक नहीं देखा इस बार देख लीजिए, एपिसोड नंबर 111 111 नंबर ऑफ एपिसोड को देख लीजिए, उसको मैं अभी रिव्यू करूंगा, आपको आसानी होगा समझने में, ठीक है। और एक बात दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं सेल्फ ट्रेडर हूं, मेरा जो खुद का व्यू रहता है वही आप लोगों के हेल्पिंग पर्पस यहां पर शेयर करता हूं। सो दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और एक बात दोस्तों, मेरा जो ट्रेनिंग सेशन है उसका नेक्स्ट बैच 23rd ऑफ जनवरी से, 3 दिन बाकी है, 3 दिन बाद वो स्टार्ट होगा 23rd ऑफ जनवरी से, शाम को 8 से 9 बजे का क्लास रहता है, मोबाइल से भी उसको आप कर पाएंगे, 10 दिन का लाइव क्लासेस, उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, और वहां पर हम लोग स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस सीखते हैं और उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस का सारे चीजें, जैसे चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न, पूरे चीजें वहां पर टेक्निकल का बाकी जितना चीजें होता है वो सीखते हैं, और उसके साथ एक स्ट्रैटेजी वहां पर मैं डिस्कस करता हूं जो कहां पर एंट्री करना है, कहां पर से एग्जिट करना है, पूरा स्टॉप लॉस कहां पर डालना है, पूरा चीजें वहां पर डिस्कस करता हूं। तो बिगिनर्स भी उसको अटेंड कर सकते हैं क्योंकि मैं एकदम शुरू से शुरू करता हूं वहां पर, तो आपको वहां पर आसानी होगा, पहले सीख लीजिए दोस्तों। और एक बात, ये हो सकता है मे बी ये लास्ट बैच है लाइव क्लास, इसके बाद जो आपको रिकॉर्डिंग ही ओनली मिलेगा, लाइव क्लास और नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद कुछ और मैं चालू करूंगा, एडवांस कोर्स कुछ चालू करूंगा, जो इन लोगों जो लोग मेरे पास पहले जो मेरा एक स्टूडेंट है उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि उसके नेक्स्ट जो ये ट्रेनिंग है उसके नेक्स्ट वाला कुछ हायर लेवल कुछ लाने के लिए, तो वो मैं चालू करूंगा। तो ये लास्ट बैच रहेगा लाइव के लिए, तो आप अगर सीखना चाहते हैं लाइव क्लास में तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बाद में वो नहीं मिलेगा, अवेलेबल नहीं रहेगा, खाली रिकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, अपने सीट बुक कर लीजिए, बहुत ही छोटा सा एक फीस है, पे करके बुक कर लीजिए, इतना ही छोटा है कि आप एक ट्रेड में उससे बहुत ज्यादा लॉस करते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपने बात करके सीट बुक कर लीजिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ता हूं, और कल के वीडियो में मैंने जो बोला था तीन स्टॉक उसको मैं अभी रिव्यू करूंगा। तो पहले मैंने बोला था कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर बाय करने के लिए, तो देख सकते हैं मॉर्निंग में जब आईसीआईसीआई बैंक ओपन हुआ थोड़ा नीचे ही, वो कल के क्लोजिंग के आसपास ही ओपन हुआ था, और उसके बाद थोड़ा सस्टेन होने के बाद जब बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव था उस टाइम वो बहुत ऊपर गया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 554.6 का हाई लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोगों का जो टारगेट था कल आईसीआईसीआई बैंक के अंदर वो था 552 का, वो अचीव हो चुका है, 554.6 का हाई लगाया था, ठीक है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड किया है कोई भी लेवल से, तो यहाँ पर अच्छा खासा 1.5% प्रॉफिट यहाँ पर मिला है आईसीआईसीआई बैंक में। सेकंड कॉल जो मैंने दिया था वो था सन फार्मा सेल करने के लिए, लेकिन उसका जो सेक्टर है वो पॉजिटिव था, सो सेल तो एक्टिवेट नहीं हुआ। थर्ड जो मैंने बोला था कि बाय करने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो उसमें कैसे रहा हिंदुस्तान यूनिलीवर में, आज मॉर्निंग में देख सकते हैं यहाँ पर नीचे का लेवल बहुत टाइम दिया था उसके बाद, और जब एफएमसीजी पॉजिटिव वहां पर था उसके बाद एकदम हाई पे हाई लगाया, और 2373.9 का हाई लगाया, तो यहां से अब देख सकते हैं अराउंड 1.5% ऊपर मूव कर दिया था, और ये टाइम भी बहुत अच्छा था, आफ्टर 10-15 ये था, बहुत अच्छा खासा यहां पर प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिला है हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो लोग ट्रेड किया है। तो यहाँ पर दो तीन कॉल के अंदर दो कॉल एक्टिवेट हुआ, दोनों के अंदर ही अच्छा खासा प्रॉफिट देते हुए गया है कल के वीडियो का जो जो व्यू मेरा था उसमें, ठीक है। तो इसको मैं रिव्यू कर दिया, अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने के बाद पहले हम लोग देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो पहले देख लेते हैं निफ्टी का। तो दोस्तों, ये है निफ्टी 50 का चार्ट, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाया था रेजिस्टेंस लाइन, उस पर ही देख सकते हैं आप, वहां पर ही वो रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन ये आज का जो हाई था 14,665 का, लो था 14,517 का, और क्लोजिंग जो आया है 14,625 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और एक दिन की यहाँ पर निफ्टी ने फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट चालू कर दिया। तो यहाँ पर जो बातें चल रहा था मार्केट के अंदर करेक्शन के लिए, तो शायद एक करेक्शन का जोन, तो अभी क्योंकि ये दोनों दिन जो करेक्शन हुआ था उसके ऊपर ही जा गया, आज उसके ऊपर ही थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग आया है,
तो पॉसिबली बजट के पहले फिर से एक बार डाउनफॉल होगा, तो थोड़ा देख लीजिएगा। जो लोग बाय करके प्रॉफिट कमा रहा है, कंग्रेचुलेशन उन लोगों को, कि बहुत सारे न्यू ट्रेडर है, उनको लग रहा है कि मार्केट के अंदर बाय करेंगे तो ही फायदा है, लेकिन मार्केट हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट जो है ये एकदम टॉप पे बैठे हुए है और इसका जो पी रेशियो है भी बहुत ऊपर है, तो बाकी चीजें इतना ओवर प्राइस होके बैठे हुए है सारे चीजें। तो यहाँ पर क्या होता है, जब तक फॉरेन इन्वेस्टर है इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, क्योंकि वहां पर यूएसए का इलेक्शन था, वहां पर कोरोना का कुछ रीजन था, तो वो लोग जब फिर से वहां पर वापस कर जाएगा तो आपका निफ्टी का भी यहाँ पर थोड़ा करेक्शन मिलेगा। तो हम लोगों तो इंट्राडे में करेंगे तो खाली ट्रेंड के ऊपर करेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो बाय करेंगे, नेगेटिव होगा तो सेल करेंगे, उतना देखने का कोई जरूरत नहीं। फिर भी कल के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो है 14,680 के आसपास निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, और सपोर्ट जो जोन रहेगा निफ्टी के अंदर वो 14,460 का रहेगा। तो इसके बीच कल हो सकता है एक दोनों साइड मूवमेंट देखने को मिले, हो सकता है ये, तो पॉसिबली अपसाइड तो जाने का चांसेस ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक डाउनसाइड देने के बाद ही हो सकता है कि अपसाइड जाए। तो आप वो सपोर्ट लेवल के आसपास मिले तो निफ्टी ट्रेडर जो है आप लोग यहां से ट्रेड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों, बैंक निफ्टी में जाता हूं, और बैंक निफ्टी में आज उतना खास कुछ मूवमेंट नहीं था, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट ही था, एक रेंज बाउंड स्थिति में घुमा, ज्यादा कुछ नहीं हुआ आज बैंक निफ्टी में। 32,606 का हाई और 32,324 का लो, 300 पॉइंट की जो बैंक का कोई भी मूवमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर क्लोजिंग जो आया है 32,496 का एक डाउनफॉल हुआ था, उसके बाद थोड़ा फिर से करेक्शन करके वही जाके क्लोज हो गया। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिचुएशन में आप लोगों को बता रहा हूं, कल भी ऐसे होगा कि एक डाउनफॉल होगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो डाउनफॉल जब होगा तो आपका रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लेवल जो रहेगा 32,300 के आसपास, तो 32,300 को लिख लीजिए, उसके आसपास 33,250 to 300 ऐसे लेवल अगर आपको मिलते हैं बैंक निफ्टी बाय करके चलिएगा, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन जो होगा वो आपका रहेगा बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए 32,800 का, तो वो लेवल अगर पहले दिखाता है वहां से थोड़ा नीचे करेक्शन करने के लिए आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच आप जो बैंक निफ्टी ट्रेडर है आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ता हूं और तीन जो व्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, तीन स्टॉक को लेके मेन हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और पहले स्टॉक कौन सा वाला है देख लेते हैं। तो दोस्तों कल के लिए फर्स्ट जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा सन फार्मा। तो सन फार्मा ने आज हाई लगाया 30603.5 का, 593 का लो और 594 में क्लोजिंग, लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल 20 डेज का मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सपोर्ट लेते हुए नजर में आ रहा है बैंक सन फार्मा, तो इसके अंदर बाय करके ही हम लोग चलेंगे। कल के लिए हम लोग इसके अंदर बाय करेंगे, लेकिन पहले इसका जो सेक्टर है दोस्तों उसको चेक करेंगे, वो क्या है, सन फार्मा का जो सेक्टर है वो है निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा अगर पॉजिटिव होता है, थोड़ा टाइम मार्केट ओपन होने के बाद देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव होता है तो सन फार्मा के अंदर हम लोग बाय करके चलेंगे। लेवल जो रहेगा, लेवल में थोड़ा चेंजेस भी अगर होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप स्टॉप लॉस डाल के जैसे मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए, और ये इसका मेन जो सेक्टर है उसको पॉजिटिव होना चाहिए तभी जाके हम लोग बाय करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो सन फार्मा बाय नियर 594 जैसे कि लेवल अभी चल रहा है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 587 का, टारगेट होगा 606 का। सन फार्मा बाय नियर 594, स्टॉप लॉस लगाएंगे 587 का, टारगेट होगा 606 का, ठीक है। तो ये था दोस्तों सन फार्मा के अंदर जो हम लोग कल कर पाएंगे इंट्राडे के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड व्यू देख लेते हैं, उसके पहले स्क्रीन पर देखिए मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं एक स्पेशल एपिसोड भी डालता हूँ इस वीडियो के अलावा, और एक स्पेशल वीडियो वहां पर डालता हूँ, और मेरा जो खुद का ट्रेड रहता है ऑन लाइव मार्केट वहां पर डालता हूँ। तो आज सन फार्मा के अंदर कुछ हम लोग बाय किया था, थोड़ा प्रॉफिट वहां पर मिला है, और उसको लेकर हम लोग जो भी मेरा खुद का रहता है, जो भी खुद ट्रेड करता हूँ लेवल वहां पर पोस्ट कर देते हूँ, टारगेट
वहां पर रहता है, स्टॉप लॉस रहता है, एंट्री पॉइंट, और जब एग्जिट भी करना होता है मैं वहां पर अपडेट देता हूँ। तो लाइव मार्केट असिस्टेंस भी होता है और एक स्पेशल एपिसोड भी वहां पर होता है। तो ये प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में अगर आप जोड़ना चाहते हैं वो 399 ओनली फॉर 30 डेज, वो फीस है, वो पे करके आप उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ए मंथ ओनली 399। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, मुझसे बात कीजिए और वहां पर एड हो सकते हैं आप, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं दोस्तों, और नेक्स्ट जो व्यू हम लोगों को रहेगा वो देख लेते हैं, वो रहेगा रेमोंड के अंदर। तो रेमोंड एक निफ्टी कंजम्पशन का स्टॉक है, तो निफ्टी कंजम्पशन अगर इसके अंदर देख सकते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं आज कैसे हुआ। 340.95 का हाई लगाया, 334.95 का लो लगाया, क्लोजिंग आया 338.45 में। तो रेमोंड के अंदर हम लोग सेल करके चलेंगे, क्यों करेंगे, ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर रेजिस्टेंस लेते हुए दिखता है, दिखाई दे रहा है, जहां से लास्ट टाइम भी गिरा था तो वहां पर भी फिर से रेजिस्टेंस हिट हो रहा है, तो इसको हम लोग सेल करके चलेंगे। लेकिन पहले देखेंगे रेमोंड का जो सेक्टर है निफ्टी कंजम्पशन, निफ्टी कंजम्पशन अगर नेगेटिव होता है तभी जाके रेमोंड को हम लोग सेल करेंगे। सॉरी, निफ्टी कंजम्पशन नहीं, रेमोंड का जो सेक्टर है निफ्टी कमोडिटी, निफ्टी कमोडिटी अगर नेगेटिव होता है उसमें हम लोग सेल करके चलेंगे, ठीक है। तो रेमोंड का सेल लेवल रहेगा, रेमोंड सेल नियर 340, स्टॉप लॉस रहेगा 345, टारगेट रहेगा 331। रेमोंड सेल नियर 340, स्टॉप लॉस रहेगा 345, टारगेट रहेगा 331, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कब करेंगे, अगर निफ्टी कमोडिटी नेगेटिव होता है तभी जाके, ठीक है। तो दोस्तों ये था सेकंड व्यू, थर्ड व्यू में मैं जाता हूं, उसके पहले दोस्तों आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग कमेंट नहीं करते आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट, कमेंट कीजिए, मुझे मोटिवेशन फील होता है आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और लाइक जरूर जरूर करना, क्योंकि इतना मेहनत से आप लोगों के लिए डेली बेसिस में वीडियो बनाता हूं, एक लाइक तो कर दीजिए। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो लोग नए देख रहे हैं चैनल को फर्स्ट टाइम उन लोगों के लिए छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, डेली बेसिस आपको विदाउट फेल ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा नए वीडियो का, ठीक है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, और एक बार मेरा जो ट्रेडिंग सेशन है उसका नेक्स्ट बैच 23 जनवरी से स्टार्ट होगा, वो शाम को 8 से 9 बजे का टाइमिंग है, उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा और उसका डेमो वीडियो भी इस वीडियो का आई बटन में जोड़ दिया हूं। और जो लोगों को पता नहीं है आई बटन के बारे में, तो आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में देखिए, फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक मैंने पिन कर दिया हूं, तो उसको खोलिए और देखिए, अच्छे लगे तो अपने सीट बुक कर लीजिए। उसका छोटा सा फीस है, इतना छोटा कि आपको उससे बहुत ज्यादा लॉस मार्केट में एक ही ट्रेड में होता है। तो पहले दोस्तों कोई भी सेक्टर में आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहां पर पैसे कमाने के लिए आपको ट्रेनिंग का जरूरत हुआ था, तो पहले ट्रेनिंग ले लीजिए, मेरे से नहीं दूसरे किसी से लीजिए, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद ही आप मार्केट के अंदर ट्रेड कीजिए। वैसे आप ऐसे ट्रेड मत कीजिए कि आप एकदम बिगिनर है और एकदम इंट्राडे में आ गए, तो आपका बहुत भारी नुकसान होगा, आपका टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट होगा और पूरा बर्बाद हो जाएगा चीज है, ठीक है। तो पहले सीख लीजिए दोस्तों, उसके बाद ही ट्रेनिंग करिए। और ये जो ट्रेनिंग सेशन है ये होप ये लास्ट लाइव क्लासेस आपको मिलेगा, इसके बाद और लाइव क्लासेस नहीं मिलेगा, यही लास्ट बैच रहेगा, उसके बाद मैं एडवांस कोर्स को लेके बिजी हो जाऊंगा, मैं यहाँ पर टाइम नहीं दे पाऊंगा, सो ओनली रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। तो दिस जो नेक्स्ट बैच आ रहा है वही लास्ट लाइव क्लासेस का बैच है, ठीक है, 23 जनवरी से वो स्टार्ट होगा। तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अच्छा लगे अगर डेमो वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो आप बुक कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कौन सा वाला स्टॉक के अंदर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट व्यू कौन सा वाला में रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट व्यू रहेगा इंफोसिस के अंदर। इंफोसिस में आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जो इनसाइड कैंडल था उसके ऊपर जाके पहले वाला कैंडल के हाई को तोड़ा, तो इसके अंदर हम लोग बाय करके चलेंगे। तो इंफोसिस का जो लो था 1320.55 का, हाई था 1348.15 का, क्लोजिंग जो आया है 1338.85 का। तो इंफोसिस के अंदर हम लोग बाय करेंगे, लेकिन पहले तो देखेंगे इसका जो सेक्टर है निफ्टी आईटी वो पॉजिटिव रहना है, तभी जाके इंफोसिस को हम लोग बाय करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो इंफोसिस का बाइंग लेवल क्या रहेगा हम लोग देख लेते हैं। इंफोसिस बाय नियर 1332, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1317 का, टारगेट होगा 1360 का। इंफोसिस बाय नियर 1322, स्टॉप लॉस जो हम लोग लगाएंगे वो हम लोग का होगा 1317 का, और टारगेट जो हम लोग का इंफोसिस के लिए होगा 1360 का, ठीक है। तो ये था दोस्तों थर्ड व्यू जो हम लोग इंफोसिस के अंदर कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जो हम लोग
कल मिलेंगे आफ्टर मार्केटर्स, जो ये वीडियो मैंने दिया इसको रिव्यू करेंगे और परसों के लिए व्यू देते हुए जाएंगे। तो कल कल तो हम लोगों का थर्सडे है, थोड़ा देख के ट्रेड कीजिएगा क्योंकि कल निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, ठीक है? तो देख के ट्रेड कीजिएगा। और एक बात आप लोगों को आईपीओ के बारे में बोलना चाहता हूँ, वो मैं कल का वीडियो में मैं थोड़ा डिस्कस कर दूंगा। इंडिगो जो आईपीओ आया हुआ है अच्छा है, उसके अंदर हम लोग कर सकेंगे। तो मेंबर्स आप लोगों के लिए मैं अभी जो वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए स्पेशल एपिसोड जो डालूंगा अभी, उसमें आईपीओ के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को कुछ बता दूंगा, ठीक है? तो आप लोग वो वेट कीजिए, जो लोग मेंबर है शाम तक मैं मेंबर्स वीडियो हम लोगों का जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है वहां पर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, फिर से हम लोग कल मिलेंगे आफ्टर मार्केट आज। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।